हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मसाला जीरा आलू की एकदम मजेदार सी रेसिपी। 10 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी आपके बच्चों के टिफिन के लिए या फिर आपके ब्रेकफास्ट लंच हर टाइम खाने के लिए एकदम से परफेक्ट है। तो आइए फिर इसे शुरू करते हैं। तो मसाला जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 10-12 काले मिर्च, आधा चम्मच सौंफ डालकर सारी चीजों को 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले भूनते समय गैस की फ्लेम लो ही रहेगी। इन सारे मसालों से जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे भी 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। मसाले भून गए हैं, अब हमें इन्हें दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो मसालों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मसाले हमें दरदरे ही कूटने हैं। अब मसाले हमने कूट लिए हैं, अब हम यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 तीखी वाली मिर्च को भी दरदरा कूट लेंगे। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 2-3 हरी मिर्च डाल सकते हैं। मसाला जीरा आलू में अदरक और मिर्च का दरदरा पेस्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। अब एक पैन में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग डालकर 10-12 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब पैन में हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगे। 10-12 कड़ी पत्ता डाल देंगे और जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया है उसे भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है। 1-1.5 मिनट तक धीमी आंच पर हमें सारी चीजों को अच्छे से पका लेना है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब यहाँ पर हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें 1-1 इंच के टुकड़े में कट कर लिया है। अब इसे भी पैन में डाल देंगे। अब जो मसाला हमने बनाया है वो सारा मसाला आलूओं पर डाल देना है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पानी डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1-2 मिनट के लिए आलूओं को मसाले के साथ पका लेना है। अब मसाले थोड़े पक गए हैं तो अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर आलूओं को मसालों के साथ पका लेना है। तो ये देखिए, हमारे मसाला जीरा आलू बनकर रेडी हो गए हैं। ये मसाला जीरा आलू की रेसिपी आप रोटी, पूरी या किसी के साथ भी खा सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो मसाला जीरा आलू की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज जाते जाते हमारे चैनल मन्ना दी रसोई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।